राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो दिवसीय दौरे पर धार पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता विक्रम वर्मा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, साथ ही कांग्रेस सरकार को भावांतर के मुद्दे पर जमकर आड़े हाथों लिया। देखिए रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान देर रात दो दिवसीय दौरे पर धार पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा के निवास पर पहुंचे और उन्हें 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और केक काटा। तो वहीं इस दौरे पर हिंदू नेता अशोक जैन के निवास पर पहुंचे और स्वल्पाहार कर उपस्थित कार्यकर्ताओं से पार्टी संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की। आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिनके सार्वजनिक जीवन के ही लगभग 50 साल पूरे हुए हैं, छात्र राजनीति के समय से ही एक तेजस्वी कार्यकर्ता और यशस्वी नेता के रूप में उन्होंने इंदौर में कार्य प्रारंभ किया और छात्र राजनीति में एक सितारे की तरह पूरे मध्य प्रदेश के आकाश पर छा गए थे श्रीमान विक्रम वर्मा जी। आज उन्होंने अपने जीवन के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा थी कि समय आकर मैं उनका अभिनंदन करूं, केवल अपनी ओर से नहीं, लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से, जनता की ओर से। और इसलिए रात में ही मैं इसलिए आया था कि आज सबसे पहले विक्रम जी का अभिनंदन मैं करूं। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भावांतर के मुद्दे पर कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने सरकार रहते ही आदेश दे दिया था कि भावांतर का 100% पैसा किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने इशारों ही इशारों में चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार भावांतर पर अलग अलग बात कर रही है, वो समझ ले कि किसानों का पैसा इधर उधर नहीं होना चाहिए। मेरा केवल इतना कहना है कि हमने अपनी सरकार रहते हुए आदेश कर दिए थे 500 रुपया कुंटल सोयाबीन के किसान के खाते में डाले जाएंगे, 500 रुपया कुंटल मक्का के किसान के खाते में डाले जाएंगे। हमने निर्णय लिया था धान 2500 रुपया कुंटल, गेहूँ 2100 रुपया कुंटल खरीदेंगे और उड़द और मूंग पर भी भावांतर देंगे। अब ये सरकार के भाव बदल रहे हैं, अब ये कहते हैं भावांतर बंद करेंगे। अरे जो करना हो करो, लेकिन पैसा तो खाते में डालो। अब इस नाम पे तुम पैसा इधर उधर कर दो, ये तो हम नहीं होने देंगे। आज भाई साहब का जन्मदिन है, इसलिए चेतावनी वेतावनी नहीं दे रहे लेकिन वो समझ ले कि ये पैसा तो डालने पड़ेंगे। कुल मिलाकर शिवराज सिंह चौहान लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे फिर मौके कोई भी क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।